स्वागत है फिर से एक बार डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। और आज हमारा फिफ्थ पार्ट होने जा रहा है जॉन ऑफ आर्क का। तो अब तक हमने देखा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है टाइम तो जाएंगे एक्सप्लेनेशन के बाद, क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा हूँ। वो बात अलग है कि आप स्पीड वीडियो में देखते हो, लेकिन मैं बेसिक स्टार्ट करने में, मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा वक्त जाता है। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, ये ट्यूटोरियल हमेशा लाइक बहुत लंबे हो जाते हैं तो बहुत लोग व्यू करना नहीं चाहते, लेकिन मेरा ये मकसद वो है आपको सिखाना। तो चलिए आपको कैसे मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं मॉडल करने के लिए। तो अब तक आपने देखा कि मैं फेस बनाने का जो एकदम इजी तरीका बताया, इससे इजी तरीका और नहीं होता है लो पॉली कैरेक्टर का फेस बनाना, और अब तक देखा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कान बनाने के लिए। ये भी एक डिफिकल्ट पार्ट होता है ईयर का मॉडल करना, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप इस मॉडल को भी कर सकते हो कान का। तो जैसे ही कान का मॉडल कंप्लीट होगा इस कैरेक्टर का, तो एक लुक एंड फील आ जाएंगे, प्लस आइज को हम शेप को रिशेप करेंगे, फिर से फाइनलाइज करेंगे अगर इस पार्ट में हो पाता है तो। चलिए देखिए, तो शुरू करता हूँ मैं। पिछले जो हमारा फोर्थ पार्ट था, आज हम फिफ्थ पार्ट बनाने जा रहे हैं, पांचवा पार्ट आ रहा है अभी। तो ये पांचवा पार्ट में हम देखते हैं कि कान को मॉडल कैसे किया जाए। तो ऑलरेडी हमारे पास जो रेफरेंस है, फ्रंट और साइड से जो भी हम देखते हैं, हमारा एक एक रेफरेंस हाइड किया हुआ है। तो फ्रंट से हम देखते हैं आइज का, ये ईयर का जो है, और साइड से मैं देखता हूँ ईयर का ये है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट व्यू पे जाओ, इस साइड व्यू पे, और इसे आप शिफ्ट जेड प्रेस कीजिए सेलेक्ट करके, तो आपको पता चलेगा कि ये बैकग्राउंड में जो ट्रांसपेरेंसी हम देख पाएंगे कि कहाँ पे हमारा कान का लोकेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कान का लोकेशन में ये जो पार्ट बनता है, जो आप देखोगे ये कहीं ना कहीं ये राउंडेड शेप में होता है एक पाइप की तरह, और बीच में ऐसे कुछ ऐसा डिविजन कटआउट होता है। तो मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सिंपल वे में इसका, कान का। तो सेपरेट मैं इसके लिए लूंगा मेस इसी के ऊपर। तो सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट मोड में हो, अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करके पहले मैं ले लेता हूँ एक मेश, प्लेन मेश। और प्लेन मेश आप देखोगे कहीं पे ग्रिड के रहेगा आपका, बाय प्रेसिंग जी आप देखोगे कि आपका ग्रिड एक बार यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे दिख रहा नहीं। ओके सो एक बार मैं यहाँ देखता हूँ, तो मैंने जो प्लेन लिया वो इस जगह पे प्लेस हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ओके, तो कान का जो एरिया है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट जेड प्रेस करके शेडेड मोड में लेके आता हूँ, और जिस तरफ से हमें सेट करना है इसका कान का साइड का, उधर से मैं रोटेशन करूँगा इसको, फेस को उधर की तरफ रखने की कोशिश करूँगा आर प्रेस करके। तो आप एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे अगर रोटेशन करते हो तो आर वाई देन 90 डिग्री, तो इट्स लाइक ये ऐसा दिखेगा। तो देखो हमेशा मॉडलिंग करते समय आप देखते हो, जो आप अगर साइड से फ्रंट से अगर आप मेंटेन कर लेते हो इट्स ओके, लेकिन जो मेन कंसर्न होता है उसका जो थ्री डायमेंशनल डेप्थ देना, जैसे हमने साइड फ्रंट से मिलाया तो साइड से मिल रहा है फ्रंट से मिल रहा है, और इसके इन बिटवीन जो ट्रांजिशन होता है वो मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं इसमें मॉडलिंग में, चाहे कैसा भी आप मॉडल करो कैरेक्टर से रिलेटेड। तो चलो अब मैं थ्री प्रेस करके साइड व्यू में जाता हूँ, ये हमारा एक्स्ट्रा मेश लिया हुआ है और इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रेस करके आप पहले तो स्मॉल कर लो, और जो इसके बैकग्राउंड में जो हमारा आ रहा है ये, इस मेस को भी मैं थोड़ी देर के लिए मैं सेपरेट बना के आपको बताता हूँ। तो ये इस प्लेन को जो फेस है, इसको फेस में आप टाइपिंग करो, फेस मेस हुआ, देन इसको आप हाइड कर दीजिए। सो अब एकदम क्लियरली हम देख पाएंगे इसका बनाने में, तो बहुत ईजी होगा। तो चलिए बाय प्रेसिंग एस, और सबसे पहले हम एक जो ये इसको रखूंगा एडिट मोड पे, तो हमें एक ऐसा दिखेगा सिर्फ कहाँ से हमारा ईयर का मॉडल स्टार्ट होगा और कहाँ तक हम मेंटेन करेंगे इसको। तो जैसा भी अभी आप देखोगे, जैसा शेप आप देख रहे हो, ये एक्चुअली राउंडेड शेप में होंगे, ठीक है। तो ये राउंडेडी कैसा होगा, कैसे मेंटेन करेंगे, फिर आप चले जाओ इसको फ्रंट व्यू में, दिस सेलेक्टेड प्रेस वन फॉर फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में हम जाके देखते हैं कि ये हमारा उल्टा वैसे पड़ता है कान का जो लोकेशन है उसके हिसाब से। तो एक बार पर्सपेक्टिव में आए आइए, और एक्चुअली ये आपको फ्रंट
फ्रंट ऐसे दिखेगा, अगर आप इसको अनहाइड करोगे तो आप देखोगे कि फेस इधर की तरफ है, तो हमारा जो ये पार्ट जो आ रहा है ये थोड़ा सा स्लाइटली इस शेप में रहेगा, इस डायरेक्शन में, और ये जो हमारा बाकी का जो है ये पार्ट ये ऐसे रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये राउंडिटी में होके जाएगा, कान का जो चारों तरफ से बनेगा, तो यह हमें यही कंसिडर करना पड़ता है। जब मैं साइड व्यू पे रहता हूँ, यहाँ पे सोचने वाली बात है, तो ये साइड में आपको ईयर पड़ रहा है, जब आप वन प्रेस करके फ्रंट पे जाते हो तो ये इधर रह रहा है, मतलब ये जो हेड है हम बैक से देख पा रहे हैं, जो हमारा जैसा साइड व्यू होता है उसके अकॉर्डिंगली। अगर मैं शुरू से ही साइड व्यू को रखता मैं अपोजिट करके, तो मेरा फ्रंट एक्चुअली पड़ता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस अलाइनमेंट की जरूरत होता है फ्रंट एंड साइड से, बाकी जो डेप्थ होता है जो हम प्रिस्पेक्टिव पे देख के मेंटेन कर लेते हैं। बट चलिए, ये बात को मैं बता दिया कि इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो चलो आगे लेफ्ट व्यू में जाओ बाय प्रेसिंग 3। अभी फिलहाल आप फेस को हाइड करके रखेंगे, और चलिए इसको कंटिन्यू बढ़ाने से पहले कंट्रोल आर प्रेस करके आप इधर से एक और दो, करीब तीन कनेक्शन मैंने लगा दिया इसके ऊपर। एक क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम प्रस्पेक्टिव पे जाते हैं तो ये एक्चुअली राउंडेड शेप में जाता है, एयर का जो मॉडल होते हैं समथिंग ऐसा, और इससे आप ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर की तरफ, एंड दिस वन आल्सो, मतलब एक राउंडेड हाफ कटेड लाइक ये बनाना है पाइप, जैसे कान का साइड्स में होते हैं, तो ये हम बनाने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसा शेप में, मतलब इस टाइप से। एक बार हम बना लेते हैं उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली हमारा सारा काम हो जाता है। इन सबको राउंडिटी करने के लिए कुछ हम ऐसे रखते हैं, एंड इट्स ओके, थोड़ा सा इस शेप में आप रखो। ओके, तो ये राउंडेडी हमें अगर शुरू से मिलते जाता है। चलो अब 3 प्रेस 2 प्रेस करके आप ऊपर का एज को सेलेक्ट करोगे कुछ ऐसा, देन प्रेस 3, और बस ई प्रेस करके इसको ड्रैग करते जाएंगे, और आर प्रेस करके रोटेट करते जाओगे, और फ्रंट में जाके 1 प्रेस करके आप देखोगे किस एंगल में जाएगा। तो ये डेफिनेटली बाहर की तरफ जा रहा है, और कान का जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। तो ये हमारा ये जो ईयर एरिया है, ये एक्चुअल में ये इतना साइड से कितना छूट के रहेगा, हम फ्रंट से अगर जाते हैं सॉरी प्रिस्पेक्टिव पे, और एक बार मैं प्लेन को हाई अनहाइड करता हूँ, तो हमारा शेप जो ऐसा जाएगा इस टाइप से जा रहा है। तो ये समथिंग आपको बाहर की तरफ जाना चाहिए, और ओवरऑल ऑब्जेक्ट मोड में इसको अभी आप इसके साथ चिपका देते हैं, करीब करीब इतना। ओके, तो चलिए अब साइड व्यू में जाकर आप इसको पहले कान का शेप बना ही लो। आप एज मोड सेलेक्ट करो, जो टॉप एज है इसका, बाय होल्ड ऑन ऑल्ट देन क्लिक, तो टॉप का सिलेक्शन हो गया, और इसको हाइड करके अब शुरू हो जाओ आगे का बाय प्रेसिंग ई ड्रैग एंड रोटेशन, एंड प्रेस ई ड्रैग एंड रोटेशन। ये अभी हम जितना लो पॉली में हो सकता है हम पहले इसको मेंटेन करेंगे इसको, फिर हमें जितना रिक्वायरमेंट होगा एक बार एडजस्ट करने के बाद हम चलेंगे। अगेन कुछ ऐसा, देन ई, फिर ई, और फिर आर प्रेस करके थोड़ा सा घुमा के ई प्रेस करके यहाँ तक ला के आप छोड़ दो, समथिंग ऐसा। तो एक बेसिक शेप्स मिल गया हमें, जैसा कटआउट कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा वैसे मैं बाद में डालूंगा, पहले हम ओवरऑल इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी जो भी बनाया हमने शेप, इसको थोड़ा आप एक काम कर लो कि ये तो कनेक्शन होगा उधर का। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, ऑल्ट सेलेक्ट दिस एज और इंटरनल एज को थोड़ा सा अंदर लेके चले जाओ इसको इतना। ओके, और ये जो है ऑल्ट प्रेस करके हम साइड वाले को इतना लेते हैं। तो ये तो बॉडी जो हमारा फेस है इसका हेड का उसमें चला जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ एज मोड में, एज वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में, और हम देखते हैं कि हम फ्रंट से जब हम रहेंगे तो थोड़ा सा ये कैसे शेप में जाएगा। थोड़ा सा ये अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा ये आइडिया मिल जाएगा। तो कान का जो पार्ट
पार्ट होते हैं फ्रंट से अगर हम देखते हैं वैसे, सो इट्स गो लाइक दिस। आप थोड़ा सा रोटेशन करो इस एंगल में, नॉट रोटेशन, आप एक काम कर सकते हो, ये इतना सिलेक्शन करो आप वॉल फ्रेम मोड में, और इसको थोड़ा सा बाहर शिफ्ट जेड प्रेस कर लो, और इन सबको डिसलेक्ट करके एंड इसे भी डिसलेक्ट करेंगे, और इसको थोड़ा सा और इधर लाएंगे। मतलब कान का जो शेप्स होता है वो हम थोड़ा सा पहले ही मेंटेन अगर कर ले यहाँ पे, अच्छे से सिलेक्शन करके शिफ्ट जेड प्रेस करो, बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करो, और फिर शिफ्ट जेड प्रेस करके आप देखो ये यहाँ तक जाके चिपकेंगे। तो जो कान का शेप्स जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इधर से, इतना सिलेक्शन करके जितना टेपर होगा उसके हिसाब से हम इसको मेंटेन करेंगे। ये इससे भी आप इसके अकॉर्डिंगली ले आओ, थोड़ा सा और प्रेस करके घुमा भी सकते हो, मतलब ऐसे थोड़ा सा टेपरिंग जो होगा वो हम एडजस्ट करते हैं ऐसे करके, कुछ एडजस्टमेंट लाइक मैनुअली। तो एक बार जैसे आपको एडजस्टमेंट हो गई तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक जस्ट फ्लो बन जाता है और उसी फ्लो पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अभी आप, अब हम प्रिस्पेक्टिव पे आके मैं दिखाऊंगा, शिफ्ट प्रेस करो। तो जस्ट एक कान का ये शेप बन गया हमारा। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसे और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन लगा दें, तो साइड में अगर हम रहते हैं थ्री प्रेस करके थोड़ा देर के लिए इसको देखो, एक कनेक्शन रहेगा जो ये फेस में जाके मिल जाएगा। तो कंटिन्यू मैं क्या करूंगा, ऊपर का जो एज है, जैसे टू प्रेस करते हैं और अल्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं इधर का बॉर्डर, देन ई प्रेस करके इसको थोड़ा सा, फिर ई प्रेस करके दो तीन बार आप इसको, सॉरी ई प्रेस करके इस पे हम लेके आते हैं, फिर ई प्रेस करके एंड जेड प्रेस करो, नीचे लाओ। तो ये इस टाइप से अगर हम बना लिया कुछ ऐसा शेप, और ये आपको मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, मतलब हेड के अंदर। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, जस्ट वन प्रेस करो, और जस्ट ये टेक्निक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इन सबको थोड़ा थोड़ा डेप्थ में लगा दो, तो आपको जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा सा इनसाइड, सिर्फ अंदर का जो पार्ट है जी प्रेस करके अंदर की तरफ कर देते हैं थोड़ा सा, और ये जो बन के आया हमारा इतना ये गड़बड़ हुआ है, इसको आप थ्री प्रेस करो, ये सब फेसेस को सेलेक्ट करो, देन ये, और इसको डिलीट करो, फेसेस डिलीटेड लाइक दिस। एक एज को भी यहाँ पे आ जाता है, तो आप एज मोड में जाके इसको एज सेलेक्ट करो, एक्सप्रेस करो और एजेस को डिलीट कर दो। डिसॉल्व एज भी कर सकते हैं अदरवाइज, ओनली एज एंड फेसेस। हाँ तो ये चला गया, ये मिस्टेक्स बाय मिस्टेक हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको लिंक कर देता हूँ इसके साथ, सॉरी ये, और शिफ्ट पकड़ो, ये राइट क्लिक, इसको बोलो जे फॉर जम्पर होता है, जे कर दो आप, एफ फिल कमांड, जे फॉर ज्वाइंट होने लगा है, फिर फिल कमांड, देन फिल कमांड एंड एफ फॉर फिल कमांड, दैट्स इट। ऐसा तो ये कहीं ना कहीं ये जो पार्ट होगा ये बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगा। जैसे मैं इस एज को वर्टेक्स मोड में सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, तो सेलेक्टेड दिस वर्टेक्स इंक्लूडिंग दिस ए, इसको थोड़ा सा हम फ्लैटन कर सकते हैं इस एक्सेस पे, और थोड़ा सा इसको जैसे हम मिला लेंगे इसको वैसे जहाँ फ्लैटन टाइप का लगना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये फेस में जाके मिक्स होगा स्किन के साथ। ऐसा मैंने कुछ शेप बना लेता हूँ मैं, ऐसा समथिंग। ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है आई थिंक, तो ये मिस्टेक का एक उपाय है, इसको सेलेक्ट करो और इसको मर्ज कर दो आप, बोथ सेलेक्टेड, आप इस मोड में जाके इसको बोलेंगे मर्ज सेंटर सभी को, मर्ज सेंटर। एक्चुअली कभी कभी बाय मिस्टेक एक नया काम बढ़ जाता है इसके अंदर, तो ये हमेशा ध्यान रखने का, मर्ज सेंटर एंड मर्ज सेंटर एंड मर्ज सेंटर। तो अब हो गया, अब ये मर्ज सेंटर हो गया। तो ऐसा करने के बाद हम थोड़ा सा इसको प्लेन कर लेंगे इधर, जो डेप्थ आ रही है इसको थोड़ा सीधा करके,
और फटाफट इसको आप कर सकते हैं। जितना आपका एफिशिएंसी है, सिर्फ जेट प्रेस करो करने का, वो हम कर लेते हैं। चलो इसको हम बाद में भी अरेंज करेंगे, अभी बहुत कुछ इसके अंदर अभी मेस प्रोडक्ट करना है इसके हिसाब से। तो चलिए आप साइड व्यू में जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसे भी आप मेंटेन करने की कोशिश करो शिफ्ट जेड प्रेस करके, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर हो पाता है इस टाइप से आप रखो साइड का भी ये पार्ट। चलिए ऐसा जब हम बनाते हैं, अब यहाँ पे देखोगे कि एक मेश यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से कनेक्शन करता हूँ इस मेस को, और ये जो पार्ट है कान का, जो एक्चुअल ये इतना पार्ट को सेलेक्ट करके सिर्फ जेड प्रेस करो, इसको बिल्कुल अंदर की तरफ आप रखो। ये इससे बेनिफिट क्या होगा अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे कान का जो बोन होता है, एक फ्लेक्सिबल बोन होता है, जैसे ये वाला पार्ट है ये वाला, तो हम देखेंगे कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके पहले बना लेंगे तो हमें इजी पड़ेगा। तो साइड व्यू में ही आप देखो ये पार्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इन सब को भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ इतना पे, और ये कान का जो एरिया होगा हमारा, इसको मैं बीच में रख लेता हूँ इसको कनेक्शन करने के लिए, और इसको यहाँ से मेंटेन करते हैं करीब यहाँ से। तो ये जो पार्ट बना जिसमें हम बोन बनाएंगे इसका, सिंपल आप थ्री प्रेस करके दोनों फेस को सिलेक्शन करो और प्रिस्पेक्टिव पे जाओ और इसको एक्सट्रूड करो और एस प्रेस करके स्केल करो और थोड़ा सा जी प्रेस करके आगे। तो जैसे हम स्मूथ कमांड लगाएंगे वैसे हमारा ये काम, ये एक बोन बना देगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, अगर एकदम परफेक्ट करके इसको मेंटेन कर लिया थोड़ा सा, तो हमारा वो बन जाता है पार्ट कुछ ऐसे इतना। अभी यहाँ पे आगे हमें देखना होगा इसको मेन, जहाँ पे ये मिक्स होने वाला है प्लस इधर का जो कनेक्शन है, तो जस्ट साइड व्यू में ही देखो। अब इन सब कनेक्शन को करने के लिए प्रॉपर और डिटेल रखने के लिए फिलहाल मैं यहाँ से एक वर्टेक्स को एडजस्ट करूँगा और एज को पकड़ूंगा बाय प्रेसिंग टू एंड एक्सट्रूड करके इधर मिलाने की कोशिश करते हैं, एस प्रेस करके छोटा करते हुए, फिर एक्सट्रूड, फिर एस प्रेस करके छोटा करते हुए, फिर एक्सट्रूड, और ये मिला देते हैं इसके साथ। तो यहाँ से जो एक बार एक्सट्रूड किया और वर्टेक्स मोड में हम गए बाय प्रेसिंग वन, और एक वर्टेक्स यहाँ से और एक वर्टेक्स मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही लो पॉली मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लो पॉलीगनल मॉडी मॉडल जब भी बनाओगे आप, तो कोशिश की जाती है कि कम से कम पॉलीगन में हम ज़्यादा ज़्यादा डिटेल कितना कर पाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। कैसे? बोथ सेलेक्टेड, राइट क्लिक, देन सेंटर मर्ज कर देते हैं। फिलहाल दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, बोथ सेलेक्टेड, राइट क्लिक, देन सेंटर मर्ज, दैट्स इट, डन। और ये बिल्कुल डाउन में चला जाता है, जैसे ये जब कनेक्शन होगा तो ये थोड़ा सा कर्विकल शेप अंदर की तरफ जाएगा कुछ ऐसा एक फीलिंग के लिए, और ये सब जो पार्ट है ये अंदर की तरफ चले जाएंगे कुछ और क्लोजर इसके, और इसको एकदम अंदर की तरफ, और ये ऊपर से ओवरलैप हो जाता है कान का, जो आप देखोगे ध्यान से तो कान के ऊपर एक जो ओवरलैपिंग आएगी ये हो जाता है ऐसा। सो कंटिन्यू, मैं इसको ऐसे ही करते जाता हूँ। नेक्स्ट, ये इसे भी अगर मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ, ये यहाँ से राउंड हो जाएगा, एंड यहाँ से भी मैं अंदर की तरफ लेके जाता हूँ कुछ ऐसा, और भी कट करके मैं इसको और एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, इस पार्ट में एज मोड में जाके इसको ऑल्ट क्लिक, तो ये पूरा बॉर्डर सेलेक्ट होता है और फिल कर लेता हूँ। इससे हमें आसानी से और भी डिविजन्स इसमें ऐड करने के लिए मिलता है बाय प्रेसिंग के, और इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, इंटर, देन के प्रेस करके इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ। लेकिन यहाँ पे हमें ये तो कर दिया हमने, ये ट्रायंगल्स भी बनाए, एक कनेक्शन ऐसा कट करता हूँ कि यहाँ पे हम थोड़ा सा डाइवर्शन बना सके। तो चलिए आप मैनुअली कट कर सकते हो जिस ट्रायंगल से, तो के प्रेस करके आप एक मैनुअली कनेक्ट करो, यहाँ से एक कनेक्शन करते हुए अगर मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, दैट्स इट, इंड। और ये हमें यहाँ पे डाइवर्शन के लिए एक पॉइंट्स मिल गया है, इसको अंदर ले जाने के लिए थोड़ा सा ऐसा डाइवर्शनल हम बना सकते हैं।
ऑन के अंदर जो डाइवर्शन होगा समथिंग ऐसा, बाद में बहुत कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। फिर ये साइड में जो हम आते हैं इसके लिए बाय प्रेसिंग थ्री, ये पार्ट के लिए, ये कान के अंदर का जो एक्चुअली डेप्थ होगा, एक्चुअल डेप्थ होगा यहाँ से, और इतना जो हमने कट लगाया है। और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इसको पहले जोड़ देता हूँ डायरेक्ट इसके साथ बाय प्रेसिंग एफ, फिल हो गया। वैसे ही आप इनको भी फिल करते जाओ एंड फाइनली ऑल्ट क्लिक करो और एफ प्रेस करो, फिल हो गया इधर का भी। इधर में मैं इसको कंटिन्यू बाय प्रेसिंग के कुछ मिला लेता हूँ मैं इसका डिविजन्स, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकूँ प्रॉपर। तो कंटिन्यू मैं एक यहाँ से भी कट लगाऊंगा और लेके जाऊंगा, दैट्स इट। बहुत ही आसान तरीका है ये मॉडल करने का। आई थिंक ये आपको एक एक चीज़ का एक पहले बेस बना लेते, उसके बाद आपका ये आगे का मेंटेन होता है। तो इन सबको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अंदर की तरफ, कान का जो ए पार्ट होगा प्लस ए थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा ऊपर की तरफ लाइक दिस मच। और इसके बाद जो डेप्थ आएगा इसमें वो हम ऐसे रखते हैं कुछ, तो शेप के हिसाब से आप देख लो कैसा मतलब शेप बनेंगे। इवन आप इसको भी आप थोड़ा सा बाहर इसको प्लेनर करने की कोशिश कर लो। ये तो ट्विकिंग की बात है, जैसा लुक डेवलप करना होता है, जो ओवरऑल जो हम कट्स लगा रहे हैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट वो है। सो नाउ दिस, अब इतना हो गया आपका फाइनली। इसको थोड़ा सा मेंटेन लास्ट में भी कर लेंगे। अब जो बचा है, जो ये बचा है, इसमें आप डायरेक्टली बाय होल्ड ऑन टू प्रेस करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करो और आप यहाँ भी इसको फिल कर दो, क्योंकि ये जो फिल होगा, सो आई होप कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मेस का कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। क्यों गड़बड़ हुआ है? ये जो हमने इसके साथ मिलाया ना, ये गलत हो गया, हमने देखा नहीं। आप इसको फेस को डिलीट करो, इस फेस को इसके साथ मिला दो, सॉरी एज मोड पे जाके दिस एज सेलेक्टेड प्रेस एफ, यहाँ से एक डेप्थ मिलेगा जो बोन हमने बनाया था उसका। और बाकी ओवरऑल जब हम होल्ड ऑन ऑल्ट देन क्लिक, तो ये बॉर्डर सिलेक्शन हो गया। फिर फिल कर देता हूँ मैं, फिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेता हूँ बाय प्रेसिंग के, सॉरी बैक स्पेस जाओ, बैक स्पेस, एक मिनट, इंटर प्रेस करो, अंडू करो, फिर से के प्रेस करता हूँ मैं और इसको मिला देता हूँ इसके साथ, इंटर, देन प्रेसिंग के, एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ, इंटर, ओके, फिर के, एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं हम, ओके, यहाँ तक लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्शनली ही तो बनाना है यहाँ पे। फिर के प्रेस करके एक कट लगा के यहाँ पे लेके जाओ, तो फिर थोड़ा एक आध ट्रायंगल्स चलता है वैसे वहाँ पे। तो हमारा जो ये पार्ट हो जाता है जहाँ ये बोन होते हैं उसके जस्ट नीचे होल होता है, बहुत बिगेस्ट होल होता है लाइक दिस। ये आपको साइड व्यू में जाके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेगी कुछ ऐसा। ये डाइवर्शन तो हमारा हो जाएगा, इट्स ओके। तो हम कह सकते हैं ये एक बेसिक लेवल का मतलब ह्यूमन का ईयर मॉडलिंग का एक जस्ट एक फंडा हो सकता है, जो बहुत ही बेसिक लेवल का हम बनाया। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे अंदर की तरफ और स्केल डाउन कर देंगे बाय प्रेसिंग एस और जी प्रेस करके इसको अंदर की तरफ रख दो। तो ये जो भी यहाँ पे डेप्थ बना है आपका, इन सबको थोड़ा सा और अंदर रखो और इतना इनफ होगा, इतना काफ़ी है। अगर मैं अभी कार्टून की बात करूँ तो इतना काफ़ी हो गया कान का। अब सबसे बड़ा चैलेंज है इसको कनेक्शन करना, प्लस जो इंटरनल जो लगेगा इसके अंदर। तो ये एज मोड में हम जाते हैं पहले, जो कनेक्शन होना है अंदर की तरफ, तो इतना सिलेक्शन करके फाइनली दिस एंड दिस, यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक, इतना को एक बार एक्सट्रूड करो, स्केल करो। तो ये पार्ट कान के लिए अंदर इंटरनल ये कनेक्शन होगा। तो इस टाइप से हमने ऑब्जेक्ट मोड पे गए, हम इस टाइप से एक कान बना लेते हैं। अगर आप देखोगे राइट क्लिक स्मूथ करके, तो एक बेसिक आपका कान का एक बेस बना, ठीक है।
हम वो बात अलग है कि हम आगे स्मूथ लगाते हैं तो बहुत कुछ एडजस्ट करके फिर से वो हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक बेसिक कान का मॉडल ऐसा बन जाता है। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस पे आते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे, देन अनहाइड करो फेस, और फेस अनहाइडेड। अब हमारा मेन कंसर्न है इसको कान को जोड़ना, तो बिफोर दिस आप फ्रंट पे जाके देखो कि कान का जो हमने मॉडल बनाया है, आर प्रेस करके थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। इट्स ओके, तो ये आइडिया मिल गया कि ये इतना पे हमें कनेक्शन होना है इसके साथ। तो ये जो बॉर्डर होगा, आप इस बॉर्डर को देख रहे हो, इन सबको मैनुअली आप थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश करो इसके तरफ, वन वन करके, मतलब ये आपका मिक्स होगा इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट मैं ऐसे मिक्स कर लेता हूँ कि ये कनेक्शन होगा, जो अंदर का इस पार्ट को छोड़ के कुछ पार्ट है जो कान का है, जो हम अननेसेसरली कुछ कट है उसको हटाएंगे और इसको इधर से दोनों को मेंटेन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब चैलेंज लगता है जब भी आप इसको कनेक्शन करोगे फर्स्ट टाइम, तो मैं कह सकता हूँ कि उतना बड़ा नहीं है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करके समझ गए तो ये बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। तो बस प्रैक्टिस से ही एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप जस्ट इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो कुछ ऐसा समथिंग इस टाइप का। तो चलिए ऑलमोस्ट हो गया है, ऐसे हम बहुत बारीकी से इसको सेट करेंगे जैसा हमें लुक डेवलप करना है। तो अब चैलेंज आ जाओ इसके लिए, तो वन प्रेस करो इसको, हाइड करो बाकी सबको, सॉरी कंट्रोल डेट, बाकी को इसको हाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पहले यहाँ पे काउंट करना है, ये जो ट्रायंगल जा रहा है इस ट्रायंगल की अभी जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, जैसे डिसॉल्व वर्टेक्स कर देते हैं, तो ये ट्रायंगल्स बनेंगे, बनने दो। सेम इधर से करते हैं बाय प्रेसिंग एक्स, तो हम इसको भी वर्टेक्स को डिसॉल्व, तो जो वर्टेक्स का जो काउंट बना रहा हूं मैं कि वो एग्जैक्टली कनेक्शन होगा उसके लिए, तो वो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल बना है दोनों तरफ से, यहाँ पे थोड़ा सा हमें डायवर्सन को मेंटेन करना होगा, तो हम जोड़ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इसका आउटर बॉर्डर पे कितना है डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है एंड 13, नहीं 13, ठीक है, आंकड़ा ही अजीब सा है 13 का है, तो चलो ऑड नंबर है चलेगा कोई बात नहीं, हम मेंटेन करना पड़ेगा। ये इसका 13 हुआ, और टैब प्रेस करो, और हमारा जो हेड बना हुआ है इसका थोड़े देर के लिए मैं इसका भी इसको हाइड कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मैंने वो जो स्मूथ लगाया था वो डिलीट कर दिया, और मिरर जो हमने लगाया हुआ है वो रहा एज वेल। तो मिरर है कब तक, जब ये जो हम अगर इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ हेड के साथ और इस मोड पे जाओ, तो हमारा यही साइड होगा यही, तो इसके साथ हम ज्वाइंट अगर कर दें, इसको सेलेक्ट करो, देन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे, इसको पहले हम जोड़ देते हैं, जब ये कनेक्शन हो जाता है एक साथ लेकिन दोनों सेपरेट है, तो आप देखोगे कि वन साइड का आपका मिरर का इफेक्ट निकल जाता है। बस कोई बात नहीं, निकलने दो अभी, अब टाइप प्रेस करो, अभी दोनों अटैच्ड है। अब इधर हमारा 13 था और ये जो बन रहा है हमारा, इसको पहले थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो राउंडिटी में जैसा कनेक्शन होना है उसके हिसाब से, तो एक जस्ट आइडिया रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे, यहाँ से इस मेस को बनाएंगे, यहाँ इतना देर को दूरी जो है, तो आप पहले फेस सिलेक्शन मोड में जाओ बाय प्रेसिंग 3, और इन सब फेसेस को सेलेक्ट करो जो इसके अराउंड ये कनेक्शन होने वाला है इन सबको, और ये हो गया, ठीक है। इसे क्या करना है, आई प्रेस करोगे और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करके आपने क्या किया, एक एरिया बना लिया, और कितना डिवीजन इसका मिल रहा है आउटलाइन पे, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वो 13 था, तो चलो एक, चलो एक को मैनेज कर सकते हो, इसको आप डिलीट कर दो, इस फेसेस को जो सेलेक्टेड है इसको डिलीट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी आउटर वर्टेक्स होगा उसको एक बार और एज सेलेक्ट करके एज मोड पे बाय क्लिकिंग लाइक एज मोड पे, और इसको ऑल्ट पकड़ के पूरा बॉर्डर को सेलेक्ट किए, और फिर से एक्सट्रूड करके एक बार और इस प्रेस करके थोड़ा सा
एक बॉर्डर बना लिया। इससे क्या हुआ कि एक एक वर्टेक्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है, जैसे मान लो इसके साथ स्नैप करना है, तो इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्नैपर भी हम रख सकते हैं। आप यहाँ पे जाओगे, आप देखोगे वर्टेक्स स्नैपर ऑन कर दिया, वर्टेक्स स्नैप होगा और हम इसको मूव करेंगे, इसको ऑन करते हैं और इसको ड्रैग करेंगे और वर्टेक्स पे आके ये एक एक को सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके वर्टेक्स पे छोड़ेंगे, एक एक को सेलेक्ट करके वर्टेक्स पे। अभी इससे क्या होगा बेनिफिट कि हमारा जो बाकी का जो बॉर्डर एज था वो सब वैसे ही सेफ रहेगा, और जो इन बिटवीन कट है उसको हम सिर्फ मेंटेन करेंगे कुछ ऐसा। तो हर एक को बॉर्डर टू बॉर्डर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके इसको बॉर्डर से स्नैप कर लो, दिस सेलेक्टेड इसको स्नैप करो, दिस सेलेक्टेड इसको स्नैप करो, ऐसा ही हम बढ़ते जाते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको स्नैप किया इसके साथ, तो 13 है, एक को हमें मैनेज करना पड़ेगा, यही याद रहना है। तो एक एक को जब हम मिला देते हैं, एक कहाँ पे जाएगा इसका, ओके ये जाएगा इसके साथ, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ डन, और ये जाएगा इसके साथ। चलो तो एक बचा है, एक को मिलाने के लिए हम कुछ भी एक कट लगा करके हम इसको ट्रायंगल करके छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन जितना भी वर्टेक्सेस हमने अभी पकड़ा है, स्नैपिंग किया है, इनको आप आराम से वायर फ्रेम मोड पे जाओगे और जो भी है राइट क्लिक करो। अगर वन वर्टेक्स सेलेक्टेड रहेगा तो ये ऑप्शन नहीं आता है मर्ज का, यानी कि दोनों सेलेक्टेड है तो हम इसको दोनों का भी सेंटर सेंटर करते जाए, जो बॉर्डर है जहाँ पे जुड़ने वाला है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, इन सबको सेंटर करके सबको कनेक्ट कर दो आप। तो देख लो यही है, अब शिफ्ट ये प्रेस करोगे तो ऐसे में दोनों सेलेक्ट कभी कभी नहीं होता, इसीलिए अभी देखो अभी नहीं हुआ। अगर आप शिफ्ट जेड प्रेस करो, अभी दोनों सेलेक्ट हुआ जैसे ये है, तो इन सबको मर्ज करो, ये ऑलरेडी मर्ज है, इसको मर्ज, जो मर्ज नहीं रहेगा उसमें ये ऑप्शन आएगा मर्ज टू सेंटर, राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, मतलब ये सब मर्ज होगा, सारा मर्ज टू सेंटर, मर्ज टू सेंटर, एंड यहाँ पे आ जाओ मर्ज टू सेंटर, ये मर्ज होगा इसके साथ, मर्ज टू सेंटर, फिर इसके साथ, और ये इसके साथ, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा छूट रहा है ना, और ये हो गया इसके साथ, सब मर्ज हो गया। अभी हमारा बचा है एक पार्ट, शिफ्ट जेड प्रेस करो, तो इसको मिलाने के एक तरीका होगा कि हम अगर यहाँ से एक एज अगर हम डाल दें, ट्रायंगल ही सही चलेगा, तो के प्रेस करके आप एक यहाँ से कट लगा के इसका बॉर्डर जो है यहाँ तक कट लगा दो, इसके साथ इंटर प्रेस करेंगे और इस एज को, सॉरी इस वर्टेक्स को हमें जोड़ना है इसके साथ, इसके साथ। अब शिफ्ट जेड प्रेस करो, दोनों को फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके और सेंटर, अब हो गया आपका शिफ्ट जेड, तो एक ट्रायंगल रहेगा चलेगा यहाँ पे, लेकिन बाकी जो हमने ये सब है इसको थोड़ा सा इन बिटवीन मेंटेन कर दो। तो इसको मेंटेन करने के लिए अपने जगह पे आ जाए, इन सब को सेलेक्ट करो वन बाय वन, जो फिट हो जाना चाहिए, जो हमने कनेक्शन किया उसके और बीच में जो एक्सट्रूड है उसके बीच में, ये अपना जगह पे रिलैक्स होगा, दिस सेलेक्टेड राइट क्लिक, और इसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ, स्मूथ वर्टेक्स। जैसे स्मूथ करोगे तो आप देखोगे एक दूसरे से क्लोजर होकर के मिलने की कोशिश करता है, बराबर करने की कोशिश करता है, और इन सबको भी थोड़ा सा इसको ऑफ करो, इसको आप मिला लो। तो ऐसे हम लोग ट्विकिंग करते हैं, और एटलीस्ट हमारा ये सब स्लाइड भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप स्मूथ वर्टेक्स करो, स्लाइड वर्टेक्स करो, जैसे भी कंफर्ट होता है आप इसको कर लो, है ना, स्लाइड वर्ट। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से कान का मॉडल, और जब कंप्लीट हो जाता है हमारा मॉडल तो फिर से हम इसका जो देखोगे प्योर पॉइंट यहाँ पे है, ये बहुत बड़ा टेंशन है, तो प्योर पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपका रहता है यहाँ पे ग्रिड के ऊपर। अभी बाकी सब अनहाइड हो गया है, सब को हाइड कर दो अभी, ये सब कंफ्यूजन के लिए। यहाँ पे शॉर्टकट की लगाया था इसलिए सब अनहाइड हो गया था, और सॉरी फ्रेंड्स आज मैं एक चीज़ करना भूल गया, इसका शॉर्टकट की ऑन करना, तो चलिए माफ़ कीजिएगा, आप कोशिश करना, अगर दिक्कत होगा तो बताना, फिर
फिर मैं इन प्रेस करके हाइड कर देता हूँ। अभी इसका पिवट पॉइंट जो है अभी यहाँ है, जब अभी अगर आप इसको मिरर करोगे, बाय द वे तो देखो क्या प्रॉब्लम होता है, मिरर करो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया ऐसा, तो अंडू करो। सबसे पहला काम है कि ये जो इसका पिवट पॉइंट है, इसका पिवट पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे सेंटर में। कैसे? ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, शिफ्ट एस प्रेस करो और इसको बोलो कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। ठीक है, ये कर्सर है, वो वर्ड ओरिजिन है, लेकिन ये हम इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी जाके आप करो सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो ये दोनों का बीच में रहेगा, तो आपको आप मिरर कर सकते हो। मिरर आप देखोगे अभी भी जो मिरर होने में प्रॉब्लम्स हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका ये इसका पिवट सेटिंग का एक प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर हम मिरर कर रहे हैं वन साइड, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इसका जो ये है वर्टेक्स, यहाँ से चेंज करो पहले इसको वर्टेक्स, मान लो इसको सेंटर हम बना देता हूँ मैं इसको यहाँ पे नोज के पास। तो नोज सेलेक्टेड और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और बोलेंगे कर्सर टू सेलेक्टेड, मतलब कर्सर जो है सेलेक्टेड के ऊपर हो जाए, तो हमारा कर्सर यहाँ पे रहेगा और जब इसका पिवट पॉइंट होगा टैब प्रेस करो। इसका पिवट पॉइंट अभी अब करेंगे सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके ओरिजिन टू कर्सर 3D कर्सर, तो आपका ओरिजिन यहाँ पे मिल गया। तो अभी मैं देखता हूँ एक्स एक्सिस पे इसका अगर मैं मिरर बनाता हूँ, नहीं तो दूसरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हमेशा ये अपोजिट हो रहा है, कौन सा एक्सिस पे जा रहा है आप यहाँ से देखोगे तो अलग अलग एक्सिस में जा रहा है। बेसिक आप यहाँ से चेंज करो, तो मुझे चाहिए वाई, सॉरी इसको छोड़ो, एक्स वाई जेड। अरे बाप रे, मतलब ये हुआ कि एक्स पे वाई पे और जेड पे, हमें सिर्फ जेड पे जा रहा है ऐसा। फिर भी ये प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, क्योंकि एक बार कर्सर जो हमने यहाँ पे पिवोट रखा वो मैंने गलती कर दिया है, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, इसका ऐसा सिचुएशन में सिंपल एक काम हम करते हैं, इसका आप इसमें जाओ, इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओ, आप जितना भी इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, जब मैं कान बना रहा था तो इसका पिवोट पॉइंट यहाँ पर आ गया और इसको मैंने पहले सेलेक्ट करके मैं इसके साथ ज्वाइन किया, तो ये ऐसे में ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ कैसे होगा इसका सोल्यूशन सॉर्ट आउट। ये जो देख रहे हो, ये जो इनिशियल जो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म वैल्यू स्केल वैल्यू जो आ गए, ये इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिसेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको रिसेट करने के लिए आप सिंपल जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाओ और अप्लाई होता है, इसमें हम ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे वहीं पे फ्रिज होकर के वहाँ पे 0 0 जो इनिशियल पे कर देता है, जो भी माइनस प्लस वैल्यूज थे। तो ये अब ये ऐसे भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो आप देखेंगे आप इसका पिवट पॉइंट सभी कहाँ पे है, यहाँ पे आएंगे जहाँ पे पॉइंट्स होंगे इसके। तो लेट्स सी इसका पिवट पॉइंट कहाँ है, जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो देखोगे पिवट पॉइंट अभी यहाँ पे आ रहा है। तो पिवट पॉइंट हम कहीं पे रख सकते हैं, एक ये ग्रिड है तो यहाँ से भी डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। तो पिवट पॉइंट यहाँ मतलब इसका एकदम जस्ट एक्स एक्सिस पे एकदम 0 0 पे है। तो यहाँ पे हम अगर अब लगाते हैं एक मिरर, सो इट बिकम ओके। एक बार मिरर लगा के आप देखो, वो बात अलग है कि मैं इसको अभी इसका पिवट पॉइंट को अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ ऑब्जेक्ट में जाके ओरिजिन सेट कर्सर कर देता हूँ तो इट्स ओके, मतलब ये बीच में आ गया। अगर कर्सर जहाँ भी होगा, अगर मान लो कि ये कर्सर को आप सेंटर में रख लोगे तो सेंटर में ये पॉइंट बना देगा, अभी कोई सेंस नहीं बनता, हम कहीं भी अभी रखते हैं, या आप ऐसे भी रख लोगे, अभी शिफ्ट एस प्रेस करते हो और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर देते हो कि ये कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन चले गया, और इसे भी आप इसको ओरिजिन कर दो सेट ओरिजिन तो कर्सर। तो चलो ये ऐसा रखते हैं, पिवट पॉइंट ग्रिड पे रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये हेड का ये कंप्लीट होता है और कान हमने बना लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विकिंग करूँगा, जो मे भी आपको ये स्पीड में मिलेगा, और थोड़ा सा मैं इसका आई बॉल को भी मैं ठीक करूँगा। तो वीडियो को आप देखते रहो, आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा बॉडी को असेंबलिंग करके बताऊँगा।
वरना बहुत ही लंबा वीडियोस बन रहा है, सॉरी। तो चलिए आगे आप देखते रहो, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल वे में प्रोसेस होगा आगे का।